स्वामी जी, पिछले प्रकरण में हम सुने कि पांच महायज्ञ करने से घर स्वर्ग बनता है, तो ये पांच महायज्ञ क्या है, इसको थोड़ा हमें खुल को समझाएं। ठीक है, देखिए पांच महायज्ञ में क्या आता है। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म माने ईश्वर, जिसमें ईश्वर का ध्यान किया जाता है रोज सुबह शाम, ओम का जप करते हैं, उसमें संध्या उपासना करते हैं, वेद मंत्र से ईश्वर की उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो ये ईश्वर का जो ध्यान करना है यह ब्रह्म यज्ञ है। संध्या उपासना भी इसे हम कह सकते हैं, कहते हैं। तो संध्या उपासना, ईश्वर का ध्यान, जप, यह ब्रह्म यज्ञ रोज सुबह शाम करना चाहिए। सुबह शाम नहीं कर पाए तो जब भी समय मिले तब भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। दूसरा है देव यज्ञ, इसका अर्थ होता है अग्निहोत्र हवन करना, ये भी रोज सुबह शाम करने का विधान है। रोज नहीं सुबह शाम कर पाए तो सुबह केवल एक समय करें और आहुति दो समय की दे दें, तो ये भी देव यज्ञ करना। यज्ञ करना वायुमंडल को शुद्ध करता है, घर के रोगाणु को, कीटाणु को, विषाणु को दूर करता है, घर वालों को स्वस्थ बनाता है, दीर्घायु करता है। तो हवन करने पर घर स्वर्ग बनता है, यह अग्निहोत्र, यह देव यज्ञ कहलाता है। तीसरा है पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा करना, उनको भोजन से, वस्त्र से, आवास से और चिकित्सा से कोई कष्ट होने नहीं देना, हर प्रकार से उनकी सेवा करना, सत्कार करना, सम्मान करना, उनकी आज्ञा पालन करने में हमेशा तत्पर रहना। ये चाहे माता पिता हों, चाहे और दादा दादी हों, चाहे चाचा चाची हों, जो भी घर में बड़े हों, उन सब के प्रति ऐसा व्यवहार करना सेवा का, यह पितृ यज्ञ। और चौथा है बलि वैष्णोदेव यज्ञ, तो गाय, कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, जो जीव जंतु हैं, प्राणी पशु हैं, उनको भी कुछ खिलाना पिलाना, खाली खुद अपने लिए ही नहीं खाना, जो भी अन्न पकता है उसमें से एक हिस्सा उनका भी होना चाहिए। प्रथम रोटी हो तो गौ माता के लिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। चींटियां हैं, उनके लिए कुछ आटा डाल दिए वो चींटी के बिल के पास में, तो चींटी से लेकर के हाथी तक, छोटे जीव से बड़े जीव तक, जो भी आपके पास में आते हैं, मिलते हैं, उनको कुछ न कुछ खिलाना पिलाना। आजकल बलि माने क्या होता है, पशु को मारकर खाना, ये अर्थ हो गया बलि का, यह सही अर्थ नहीं है। बलि माने होता है पशु पक्षी को खाना खिलाना, सेवा करना उनकी, और जो अन्न पकता है उसमें बिना नमक वाला अन्न होता है उसको भी आहुति देना यज्ञ में, दोनों काम होता है, यज्ञ में आहुति भी देना और फिर जो घर में अन्न पकता है उसका पशु पक्षी के लिए भी कुछ भाग निकालना, यह बलि वैष्णव यज्ञ। चार हो गया, पांचवा है अतिथि यज्ञ, कि घर में कोई संत, महात्मा, विद्वान, गुरुजी, आचार्य जी आ गए तो उनको खिलाओ पिलाओ, रात को आ गए सुलाओ, सुबह आए नाश्ता कराओ, दोपहर आए भोजन कराओ, कुछ उनको दान दक्षिणा दो, उनसे कुछ सत्संग सुनो, कुछ उपदेश सुनो, यह है अतिथि यज्ञ। पहले यह नियम था, पहले क्या था जी, कोई आए तो खाना खाऊं, और आजकल क्या हो गया है कि ये महानुभाव जाए तो खाना खाऊं, उल्टा हो गया है। तो जबकि अतिथि देवो भव, वो देवता होता है, जो घर में आता है वो पुण्य देकर के जाता है, इसलिए अतिथि सेवा करना यज्ञ कहलाता है। तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैष्णव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये पांच प्रकार का यज्ञ होता है, ये पांच महायज्ञ कहलाता है, जिसके करने पर घर स्वर्ग समान सुखदायी हो जाता है।